नमस्कार बच्चों, आगे चल रहे हैं हम 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान में। तो हमारा पाठ चल रहा है 11 पाठ, विनिर्माण उद्योग। तो कल हमने विनिर्माण उद्योग में बात कर ली थी, इनकी परिभाषाओं की बात कर ली थी और कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो भी थे उन सब की बात कर ली थी हमने। आज हम आगे चल रहे हैं, भारत में उद्योग कौन कौन से हैं, उन उद्योगों का हमें वर्णन करना है जो आपकी किताब में दे रखे हैं। कई छोटे छोटे उद्योग भी दे रखे हैं और कई बड़े उद्योग। जैसे बड़े उद्योगों में लोह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और आपका जूट उद्योग है। ये छोटे छोटे उद्योग दे रखे हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं और इनमें से कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, चाहे वो छोटा क्वेश्चन आए चाहे वो बड़ा क्वेश्चन आए। अगर वर्णन करवाएगा तो वर्णन भी हमें करना पड़ेगा, अगर छोटा क्वेश्चन देता है तो वो एक नंबर का किस हिसाब से देता है वो आपके सामने मैंने अलग अलग पॉइंट के हिसाब से बना के रख दिए हैं। आगे हमारी बात चल रही है, भारत में लोह इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में लोह इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए, तो हमें वर्णन पूरा करना पड़ेगा। अगर वो पूछता है छोटे छोटे क्वेश्चन एक नंबर के रूप में पूछेगा कि सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम कौन सा कारखाना खोला गया था, तो सर्वप्रथम भारत में तमिलनाडु में खोला गया था, पोर्टोनोवा स्थान पर खोला गया था 1830 ईस्वी में, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, असफल रहा था। दूसरी बात आगे चलते हैं कि भारत में 20वीं शताब्दी में आधुनिक लोह इस्पात उद्योग की शुरुआत मानी गई है। सीधा क्वेश्चन आता है, भारत में आधुनिक लोह इस्पात उद्योग की शुरुआत कौन सी शताब्दी से मानी गई है, तो वो 20वीं शताब्दी से मानी गई है। क्योंकि क्या हुआ, इस समय 1907 ईस्वी में, अगर मैं इससे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है थोड़ा सा आधुनिक उद्योग के लिए। इससे पहले मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ, 1874 में पश्चिम बंगाल राज्य के कुल्टी नामक स्थान पर सबसे पहले लोह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया, लेकिन ये भी असफल रहा था, ये भी सफल नहीं हो पाया था ये उद्योग भी। उसके बाद क्या हुआ, 1907 ईस्वी में झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा ने टिस्को कंपनी की स्थापना की और तब से हमारे भारत में लोह इस्पात उद्योग की वास्तविक आधुनिक शुरुआत मानी गई है। तो यहां से ये क्वेश्चन यहां आता है बन करके, आधुनिक लोह इस्पात उद्योग की शुरुआत भारत में कब से मानी गई है, तो वो 20वीं शताब्दी से। क्योंकि इस समय क्या किया था, 1907 ईस्वी में झारखंड में एक स्थान पड़ता है साक्षी नामक स्थान, उस साक्षी नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा, जो हमारे भारत के बहुत ही अच्छे धनाढ्य लोगों में से एक रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, जमशेद जी टाटा ने एक कंपनी की स्थापना की और उसका नाम था टिस्को कंपनी, टिस्को कंपनी। अब सीधा क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले लोह इस्पात उद्योग की स्थापना किसने की, तो वो जमशेद जी टाटा ने की। कब की, 1907 में की। कहाँ की, झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर। किस नाम से की, तो वो टिस्को कंपनी के नाम से। अब टिस्को का पूरा नाम क्या है, सीधा क्वेश्चन आता है टिस्को का पूरा नाम लिखिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टी से बनता है टाटा, आई से आयरन बनता है, एस से स्टील और सीओ से बनता है कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना की है जमशेद जी टाटा ने। कब की है, 1907 ईस्वी में झारखंड के सांची नामक स्थान पर। आगे चलते हैं, 1908 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर स्थान पर इस्को की स्थापना की गई। अब 1908 में इससे अगले ही वर्ष पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है हीरापुर स्थान, वहां पर इस्को कंपनी की स्थापना कर दी है। और इस्को का पूरा नाम अगर वो पूछता है तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, अर्थात हिंदी में कहते हैं उसे भारतीय लोह इस्पात कंपनी। ये आपके सामने है, इस्को का पूरा नाम अगर पूछता है तो, और इस्को कंपनी की स्थापना कब और कहाँ की गई वो भी आपके सामने है। उसके बाद में 1923 में कर्नाटक के भद्रावती स्थान पर एक और कंपनी की स्थापना की गई, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। क्रम से हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी याद करने में भी। तो 1923 में कर्नाटक के भद्रावती स्थान पर कौन सी कंपनी की स्थापना की गई, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। 1937 में पश्चिम बंगाल में एक कंपनी, एक उद्योग स्थापित किया गया, एक कंपनी स्थापित की गई, उसका नाम था स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। लेकिन क्या हुआ, इसी समय क्या किया गया, जो कुल्टी या और हीरापुर में जो कारखाने स्थापित किए गए थे, यानी कि इन कारखानों को क्या कर दिया गया, भारतीय लोह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया, यानी इसको में मिला दिया गया। इसको यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं जैसा भी बनता है वो आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया है अगर एक नंबर का आता है तो यहाँ तक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में और चलते हैं आगे, इसमें और भी कई लोह उद्योगों की स्थापना की गई अलग अलग स्थान पर अलग अलग देश के द्वारा, वो भी कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपके सामने, इसको आप नोट कर लीजिए।
तो आगे देखिए, अब ये बात करते हैं हम और कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए, कौन कौन से स्थान पर, किस देश के द्वारा। अब ये सीधे क्वेश्चन आते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ से छोटा क्वेश्चन उठाता है तो वो सीधा उठाता है, राउरकेला उड़ीसा में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है राउरकेला। वहाँ पर जर्मनी के सहयोग से लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि उड़ीसा में स्थित लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना कौन से देश के सहयोग से की गई है, तो वो जर्मनी के सहयोग से। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में एक स्थान पड़ता है भिलाई, भिलाई में रूस के सहयोग से लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। झारखंड में एक स्थान पड़ता है बोकारो, यहाँ ब्रिटेन की सहायता से लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। तीनों की अलग अलग स्थापनाएं अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग सहायता की गई है। तो रूस की सहायता से, जर्मनी की सहायता से और ब्रिटेन की सहायता से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोहे इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं, वो आपके सामने हैं। आगे बात करते हैं, एक शब्द आता है सेल। सेल का पूरा नाम क्या है, पहला क्वेश्चन तो बनता है कि सेल का पूरा नाम क्या है। तो सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कब स्थापना की गई है, इसकी स्थापना 1973 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है, वो सीधा पूछता है उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य ही है यहाँ पर लिखा हुआ है जो, और इसको थोड़ा गौर से देखना, सेल का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है इन सभी उद्योगों के उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि करने, यानी ये जो सभी जो प्रकार के उद्योग हैं इन सभी में क्या करता है, गुणात्मक वृद्धि करने का कार्य करता है। और इन पर नियंत्रण रखने हेतु क्या है, इन पर नियंत्रण भी रखता है, प्रशासनिक कार्यवाही भी करता है, निगरानी रखता है, इसकी देखरेख में इसमें उत्पादन कार्य जो सभी उद्योगों में होता है। तो सेल का ये प्रमुख उद्देश्य है कि सभी उद्योगों पर नियंत्रण रखना, निगरानी रखना और उनमें गुणात्मक उत्पादन में वृद्धि करना, उद्योगों के गुणात्मक उत्पादन में वृद्धि करना सेल का प्रमुख उद्देश्य है, सेल का प्रमुख कार्य है। अब ये सीधा क्वेश्चन आता है तो सेल की स्थापना कब की गई है, इसका पूरा नाम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, तो वो आपके सामने है। आगे चलते हैं, अब यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भारत का विश्व में लोह उत्पादन में, कच्चे लोह उत्पादन में कौन सा स्थान है और उपभोग करने में कौन सा स्थान है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो 2015 के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा लोह उत्पादक देश बन गया है। तो 2015 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है संसार में कच्चा लोह उत्पादन में। पहला स्थान है चीन का, दूसरा है जापान का और तीसरा नंबर भारत का आता है। उसके बाद अगर उपभोक्ता की दृष्टि से देखें, उपभोग करने की दृष्टि से, तो भी भारत का संसार में तीसरा स्थान है। लोह इस्पात का सबसे बड़ा तीसरा उपभोक्ता देश भारत बन गया है। पहला उपभोक्ता देश चीन है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा भारत है। अगर बात करें लोहे इस्पात उद्योग की, के भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत का योगदान है, तो वो है 2% का योगदान है। इस लोहे इस्पात उद्योग में लगभग 6 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल और पर्याप्त परिवहन के साधन उपलब्ध हों। कच्चा माल का मतलब जहाँ उसके लिए कोयला मिलता हो, मैग्नीज मिलता हो, ये सारी चीज़ें जो मिलती हों वहाँ पर, समतल मैदान हो, ऐसे क्षेत्रों में क्या है लोहे इस्पात उद्योग की स्थापनाएँ वो की जाती हो, सस्ते व सुलभ कर्मचारी मिल जाते हों, तो ऐसे स्थानों पर लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है। हालाँकि ये यहाँ से छोटा ही क्वेश्चन उठाता है, बड़ा कभी भी नहीं आया हुआ है। तो वो कंपनियों की स्थापना पूछ सकता है, कब टिस्को की स्थापना की गई, कब इसको की स्थापना की गई और कब सेल की स्थापना की गई, उसके बाद में कौन कौन से देश के सहयोग से कौन कौन से लोहे इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं वो भी पूछ सकता है, कौन सा स्थान उत्पादन में है, कौन सा उपभोग करने में है, कितना जीडीपी का योगदान है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और आगे चलते हैं सूती वस्त्र उद्योग की ओर। अब देखिए क्या है, बात चलते हैं अपने अगला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। तो उसका सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए, लेकिन अगर वो चाहेगा तो छोटा क्वेश्चन भी इसमें से दे सकता है, उसको भी हमने उसी हिसाब से पढ़ना है। तो ये ध्यान में रहे, छोटे और बड़े क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन बराबर बना के रखना है। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करो, तो भारत में उत्तर में हम पढ़ रहे हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग सबसे संगठित और प्राचीनतम उद्योग है, ये सबसे पुराना उद्योग है। इसका वर्णन के प्राचीन काल में भी चलता रहा है, प्राचीन समय में, बहुत प्राचीन समय में ये चलता रहा है सूती वस्त्र उद्योग। इसके प्रमाण भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से, कई सभ्यताओं से इसके अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में भी सूती वस्त्र उद्योग का प्रचलन था।
लेकिन यहाँ हम छोटी बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे, तो यह सबसे संगठित और प्राचीनतम उद्योग है। भारत में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, यह भी मुख्य यहाँ पर बात है। सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है, तो वह है सूती वस्त्र उद्योग। इस उद्योग का विस्तार, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से समस्त उद्योगों में भारत में पहला स्थान है। अगर भारत में सभी उद्योगों की बात करें तो सभी उद्योगों में इस उद्योग का प्रथम स्थान है, चाहे वो विस्तार की दृष्टि से यानी फैलाव की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन भी सूती वस्त्र उद्योग में ही होता है, और रोजगार की दृष्टि से यानी रोजगार भी सर्वाधिक लोगों को इसी से प्राप्त होता है, उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो समस्त उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम स्थान है। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अगर विश्व में बात की जाए तो सूती वस्त्र उत्पादन में तो चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है संसार के समस्त देशों में। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का आधुनिक स्वरूप का प्रथम कारखाना, क्वेश्चन सीधा आता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का आधुनिक स्वरूप का प्रथम कारखाना कब और कहाँ खोला गया, तो 1818 ईस्वी में कलकत्ता में एक स्थान पड़ता है फोर्ट ग्लास्टर, वहाँ पर खोला गया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, असफल रहा था। लेकिन भारत का प्रथम सफल कारखाना सूती वस्त्र उद्योग का, और वो 1854 ईस्वी में एक हमारे बहुत ही अच्छे धनाढ्य व्यक्ति हुए थे, उनका नाम है कवाजी डाबर, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 में मुंबई में कवाजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित है? मुंबई में। ये भी हमको ध्यान में रखना है। आगे बात चल रही है 1861 तक अगर बात करें, यानी शुरुआती क्षण की बात करें, हम स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता हमें 1947 में प्राप्त हुई है, उससे पहले की अगर बात करें तो 1861 तक भारत में कुल 12 सूती वस्त्र मिले थी, केवल 12 ही कारखाने थे। लेकिन 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए उस समय 417 सूती वस्त्र मिले थी, जिनसे लगभग 300,000 लोगों को रोजगार मिलता था उस समय, स्वतंत्रता के समय की बात कर रहे हैं हम। लेकिन वर्तमान में देश में 1200 सूती वस्त्र मिले हैं, अगर आज की हम बात करें वर्तमान में, तो 1200 सूती वस्त्र मिले हैं जिनसे लगभग 40,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है वर्तमान में। अगर वर्तमान में बात करें हम रोजगार की, तो लगभग 40,00,000 लोगों को ये रोजगार दे रहा है ये उद्योग। और बात करें भारत की GDP में यानी सकल घरेलू उत्पाद में सूती वस्त्र उद्योग का कितना प्रतिशत का योगदान है, तो वो 14% का योगदान है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत मोस्ट है, तो इसलिए इसको याद करना भी उतना ही जरूरी है। सूती वस्त्र उद्योग का भारत की GDP में कितने प्रतिशत का योगदान है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कई बार आए हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन इसमें से इतना नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमको छोटे क्वेश्चन याद रखने हैं। हमें क्या करना है, सरल से कठिन की ओर चलना है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हमें छोटे छोटे क्वेश्चनों को ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, बड़े क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगर हम छोटे क्वेश्चन बना करके पढ़ेंगे तो बड़े क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। जैसे कि हम इन उद्योगों की बात करें तो हमको प्रत्येक पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ना है, बड़ा क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी आगे चलते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, अब भारत में सूती वस्त्र उद्योग की कुछ बातें हमने कर ली, अब थोड़ा क्वेश्चन आता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग कौन से क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, या भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, स्थानीयकरण के कारक भी या स्थापित कौन से क्षेत्रों में होता है, बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा वो क्या करता है, शब्दों का हेरफेर करता है। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हो, या कपास उत्पादक क्षेत्र हो वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में, सस्ता परिवहन हो, परिवहन के साधनों द्वारा जो लाने ले जाने में दिक्कत नहीं हो, उनको सामान को, निर्मित माल को बाजारों तक पहुँचा दे, कुशल व सस्ता श्रम, यानी कि ऐसे श्रमिक होने चाहिए जो उसके बारे में जानते हों, वस्त्र उत्पादन के बारे में, सस्ते हों, ज़्यादा महंगे नहीं हों, उनको पैसा ज़्यादा नहीं देना पड़े, और नमी जलवायु हो, क्योंकि कपास उत्पादन में नमी जलवायु बहुत अधिक योगदान देती है। तो ऐसे क्षेत्रों में या इन कारकों वाले क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग है वो स्थापित किया जाता है। अब भारत में सूती वस्त्र उद्योग वितरण के केंद्र कौन कौन से, यानी कहाँ कौन कौन से राज्यों में कितना कितना सूती वस्त्र उत्पादन होता है, तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है भारत में, अगर देखा जाए तो भारत का पहला सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है, पहले स्थान पर है। यहाँ लगभग 112 सूती वस्त्र मिले हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 54 वस्त्र मिले मुंबई में स्थित हैं। तो
अब मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा वस्त्रों का उत्पादन कहाँ हो रहा है, मुंबई में। तो सूती वस्त्रों की राजधानी कौन हो गई, मुंबई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आता है एक नंबर का, सूती वस्त्र उत्पादन की राजधानी या सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं, तो मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 39% वस्त्र उत्पादन होता है और यहाँ क्या है, सर्वाधिक मात्रा में बंदरगाह पाए जाते हैं जिसके कारण सूती वस्त्र उत्पादन का सर्वाधिक विकास भी हुआ है। ये महाराष्ट्र की बात है। कौन कौन सी चीज़ मुख्य है वो आपके सामने है। आगे चलते हैं, गुजरात दूसरा स्थान आता है सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात राज्य का। यहाँ लगभग 135 मिले हैं लेकिन इनमें से सर्वाधिक 67 जो मिले हैं वो अहमदाबाद में स्थित हैं। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वस्त्र उत्पादन होता है, इसलिए अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। अगर बात करें गुजरात में, तो गुजरात में 35% वस्त्र उत्पादन होता है, सूती वस्त्र उत्पादन। यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, और इस कांडला बंदरगाह से ही क्या किया जाता है, वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन, राजस्थान के समीप स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो वो भी कांडला बंदरगाह है। हमारे राजस्थान में अगर वस्त्र उत्पादन होता है तो, या कोई भी चीज़ का निर्यात करना होता है तो हमें इसी बंदरगाह से करना पड़ता है क्योंकि ये हमारे सबसे अधिक पास में है स्थित है। इसलिए तीसरा राज्य सूती वस्त्र उत्पादन में तीसरा बड़ा राज्य है तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 205 मिले हैं जिनमें सर्वाधिक मिले कोयम्बटूर में स्थित हैं, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रख लेना आप। ये एक नंबर के सीधे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जब भी आता है छप्पर फाड़ के एक नंबर का आता है, इसलिए हमको बिल्कुल इसको गौर से देखना है। हमको प्रत्येक जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है आपसे कितनी मिले, कौन से राज्य में स्थित हैं, अहमदाबाद में कितनी मिले हैं और कोयम्बटूर में कितनी मिले हैं, तो ये ध्यान रखना है हमको। तो बात कर रहे हैं, अगर तमिलनाडु की बात करूं तो 6% वस्त्र उत्पादन तमिलनाडु में होता है। चौथा बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ लगभग 36 मिले हैं जहाँ से 5% सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। और पाँचवें नंबर पर आता है अपना राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में, हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग और उसके बाद में भारत में सीमेंट उद्योग का वर्णन, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। और भी कुछ छोटे छोटे उद्योग दे रखे हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।